हरिश्चंद्र बोली लगा रहा था और वहां साहूकारों की भीड़ इकट्ठी हो गई। कोई कुछ दाम लगाता तो कोई कुछ। इतने में कालिया भंगी आया और उसने हरिश्चंद को 50 भार सोने में खरीद लिया। उधर एक गणका आई जिसने मदनावत वह लड़के को 50 भार सोने में ही खरीद लिया। इस प्रकार से प्रेमियों 100 भार सोना लेकर के हरिश्चंद ने अपना कर्जा चुकता कर लिया। कालिया भंगी के घर जाकर के हरिश्चंद ने अपना नाम हरिया रख लिया और इधर गणका के घर रहती हुई मदनावत 2-4 दिन गुजरे थे कि पूजा पाठ में लग गई। भला कहां गणका का घर और कहां पूजा पाठ, कोई मेल ही नहीं। वहां तो ग्राहक आया करते थे। गणका अपनी दूसरी सखियों के साथ में नाच गाना आदि दिखाया करती थी। गणका ने मदनावत को काफी इनकार किया कि मेरे घर में पूजा पाठ आदि नहीं चलेंगी, लेकिन मदनावत नहीं मानती है। एक दिन एक ग्राहक आया और उस ग्राहक के सामने गणका ने मदनावत को ही पेश कर दिया। ग्राहक क्या कहता है और मदनावत क्या जवाब देती है। मुर्गाई सी चाल से तेरे रूप में कमाल से प्यार के दो कह दे बोल, दिल अपने की घुंडी खोल। प्यार के तो कह दे बोल, दिल अपने की घुंडी खोल। तेरे पे कुर्बान मुर्गाई सी चाल से रूप में कमाल से प्यार के तो कह दे बोल, दिल अपने की घुंडी खोल। तेरे पे कुर्बान सू फिकर में लाली झड़गी, चंद्र मासी शान बिगड़गी। क्यों खोवे सरतन जवानी, राखूंगा तने बना सिठानी रे। क्यों खोवे सरतन जवानी, राखूंगा तने बना सिठानी। सुन ले कर के ध्यान तू, बड़ी जवानी काटे क्यों
का इस चाल से रूप में कमाल से प्यार कह दो कह दे बोल दिल अपने की घुंडी खोल प्यार कह दो कह दे बोल दिल अपने की घुंडी खोल तेरे पे कुर्बान सू के पैसे का हो जग में खेल बिन पैसे ना रहता मेल पैसा घना जगत में प्यारा भीड़ पड़ी में यो एक सहारा पैसा घना जगत में प्यारा रे भीड़ पड़ी में यो एक सहारा दिए बात मान तू मुर्गा इसी चाल से रूप में कमाल से प्यार कह दो कह दे बोल दिल अपने की घुंडी खोल तेरे पे कुर्बान सू पावे हट जा दूर पास ना आवे जय सिंह तेरे भले की चावे पर नारी पे नीत डिगावे ऐसी वैसी जाने मत ना बदनीति की खाने मत ना चलंतरे ना बुआ बहन की करम इसी चाल से रूप में कमाल से प्यार कह दो कह दे बोल दिल अपने की घुंडी खोल प्यार कह दो कह दे बोल दिल अपने की घुंडी खोल तेरे पे कुर्बान सू इस प्रकार से रूप कंवर ने अपनी मौसी से प्रार्थना की कि माता आप अपनी आंखों से इस के पाप रूपी पर्दे को हटाकर देखो मैं तुम्हारा पुत्र रूप कंवर हूँ और मेरे सिर पर हाथ रख दो मुझे आशीर्वाद दो। लेकिन दोस्तों रूप की मौसी तो उसी प्रकार से कामदेव की अग्नि में सुलग रही थी। रूप कंवर क्या कहता है और उसकी मौसी क्या जवाब देती है। तू मेरा बालम कृष्ण में तेरी राधा रानी होगी तू राधा मैं प्रद्युमन री मां दुधि प्याणी होगी तू मेरा बालम कृष्ण में तेरी राधा रानी होगी तू राधा मैं प्रद्युमन री मां दुधि प्याणी होगी तू मेरा बालम कृष्ण में तेरी राधा रानी होगी। थाली होली थाली होगी रूप तेरी में बनड़ी ब्याली होगी ओ ब्याली होगी ते मेरे पिता की पे
बैर मिटाली होगी। बैर मिटावण खातर के घनी खींचा तानी होगी। खींचा तानी की बात करे समझू ता शानी होगी। तू मेरा बालम की दिशन में तेरी राधा लगी बगड़ बुहारी की सीख बखेरन लागी। बखेरन लगी फूल सेज पे गड़े लगानी होगी। गड़े नून की ढाल मात तू बेटे खानी होगी। तू मेरा बालम किरशन मैं तेरी राधा रानी होगी। तू राधा मैं प्रधुमन री माँ दूधी प्याणी होगी। तू मेरा बालम किरशन मैं तेरी राधा रानी होगी। विश्वास तेरा से हर विश्वास में गंगा की पति शांतनु खास मेरा से। मछोदरी की गोद में सुत वेद व्यास तेरा से। वेद व्यास बने गाते में तेरी मिश्राणी होगी। तू मिश्राणी तो मैं सुखदेव माँ कथा सुनानी होगी। तू मेरा बालम किरशन मैं तेरी राधा रानी होगी। जब बेटे ने भरतार बनाया जासे हो धर्म जगत में प्यासे ने तो नीर पिलाया जासे। ओ तेरे जैसी पापन का के बहम मिटाया जासे। बहम मिटगत बलवत सिंह तेरी अमर कहानी होगी। कहानी होगी आज मने सिर विपता ठानी होगी। तू मेरा बालम किरशन मैं तेरी राधा रानी होगी। तू राधा मैं प्रधुमन री माँ दूधि प्याणी होगी। तू मेरा बालम किरशन मैं तेरी राधा रानी होगी। इस प्रकार से शीरी सौदागर से वह तस्वीर खरीद लेती है और कहती है, हाय हाय इस पर कुर्बान जाऊं, ये खूबसूरत नौजवान है कौन रे सौदागर? वाकई मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है।
तो सौदागर बताता है कि ऐ शहजादी, यह फारस देश का बादशाह अमीर खुसरो है। तो सीरी कहती है कि सौदागर, क्या हमारी इनसे मुलाकात हो सकती है? जरूर शहजादी, जरूर, क्यों नहीं। तो फिर कैसे? जैसे भी आप चाहें। तो सीरी कहती है कि ठीक है, आप उनसे हमारा ये संदेश देना कि शहजादी सीरी तुम्हें रूबरू देखना चाहती है, और अगर वे मेरी पसंद आ गए तो शायद मैं उनसे शादी भी कर लूं। सौदागर, उनसे कहना हमारी सरहद पर एक सुंदर बगीचा है, और अपने दोस्तों को लेकर आज से तीसरे रोज बगीचे में आकर ठहर जाएं, मैं अपनी सखियों के साथ वहीं मिलूंगी। तो दोस्तों, उधर से अमीर खुसरो अपने दोस्तों के साथ तथा इधर से सीरी अपनी बुआ नस्तरन व सहेलियों के साथ घोड़े पर सवार होकर के शरद के पास वाले बगीचे में चली जाती हैं। वहां सीरी और अमीर की मुलाकात होती है, और क्या कहते हैं। तन देख के खिला मन, तन देख के खिला मन, तू बुलबुल कैसा बच्चा, देख के खिला मन, तू बुलबुल कैसा बच्चा, जो लाल ने पिछाड़े वो जोरी तुसे सच्चा, तन देख के खिला मन। सलोना तेरी शान भोली भाली, तुझे में भी कसर ना दिल चांद सी उजाली, खिलनाक में ये मोती और काना के मबाली, कहूँ मक्खन या मलाई, कहूँ मक्खन या मलाई, कति दूध तू से कच्चा, जो लाल ने पिछाड़े वो जोरी तू से सच्चा, तन देख के खिला मन। जोबन के मचूर तू से, जोबन के मचूर अंगूर की सगुच्छा, जो लाल ने पिछाड़े वो जोरी तू से सच्चा, तन देख के खिला मन।
बजै ये पायल ये चूड़ी तेरी खनके कई कैसे बल कमर में जब पैर धरे थमके जो मर्द न कर घायल जो मर्द न घायल कर दे वो असली हूँ तमंचा देख के खिला मन चल तू फारस की सैर कराऊं मत लूट ले आबरू मैं कोल करना चाहूं ना धोखा मैं करूंगा ले कसम अभी खाऊं घन प्रेम ते मैं राखूं घन प्रेम ते मैं राखूं तू मिसरी कैसा कुंजा जो लाल ने पिछाड़े वो जोरी तुसे सच्चा तन देख के खिला मन तू बुलबुल कैसा बच्चा देख के खिला मन। इस प्रकार से पूरन मल की मौसी ने मीठी मीठी बात बनाकर फिर पूरन को अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन पूरन मल साफ कह देता है कि मौसी आपके जो विचार हैं मैं इतने गंदे विचारों का नहीं, मैं केवल आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि यदि पुत्र की मृत्यु का कारण पिता माता हो, अर्थात माता पिता के द्वारा पुत्र की मृत्यु हो, तो इससे बढ़कर तो और कोई स्वर्ग पुत्र के लिए हो नहीं सकता। और मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ क्योंकि आपने कुछ ऐसा जाल रचाया है कि मेरे पिता को मेरी मृत्यु के लिए आदेश देना पड़ा है और ये मेरे लिए एक सौभाग्य है। तो अब तो पूरन मल की मौसी एक बार फिर कहती है कि पूरन मैं ये नहीं चाहती कि तुम अपनी जान से हाथ धो और मेरी एक बात सुन करके जाओ। क्या कहती है? Oh.
घोड़ी तू मंगती करके भीख घाल दे मांगो कर झोली प्रकार से राजा ने जल्लादों को पूरन को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। और फिर पूरन से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, तो पूरन मरने से पहले अपनी मौसी से मिलने की आखिरी इच्छा जाहिर करता है। इसलिए पूरनमल को एक बार फिर मौसी के महल में जाने की इजाजत दी जाती है। पूरन मल मौसी के पास में जाता है तो उसकी मौसी पूरन को दूर से देखकर यह अनुमान लगा लेती है कि शायद पूरन मल मौत के भय से तेरी बात को स्वीकार करने के लिए यहाँ आया है, तो पूरन को देखकर खुश हो जाती है। और क्या कहती है तथा पूरन क्या जवाब देता है, राम राम मेरी लिए आखिरी शीश झुकाऊं मैं, दुआ बाहों में परे हट जा, दुआ जा पूरन मल धर्म पे चल, शुक्र मनाऊं तन दिल ते जाऊं तेरे लाड लड़ाऊं मैं, राम राम लिए मेरी वक्त आखिरी शीश झुकाऊं मैं, दुआ बाहों में दूर हट जा, दुआ जा पूरन मल धर्म पे चल। हर कामों से जहर दिखाई दे, दिल से प्यार करूंगी तने तू बैर दिखाई दे, मेरा नाड़ कोई सनी पी गैर दिखाई दे, कर ले ख्याल भर मद कताल मल मल के नुआऊं मैं, भक्ति रंग में ज्ञान के गंग में गोते लाऊं मैं, हट जा दुआ जा पूरन मल धर्म पे चल। दुख मिट जागा लगा तू ध्यान कुदरती में, तू जान बचा ले तेरे प्रेम में पूरन मलती में, तने भी जाना एक दिन धर्म राज की भर्ती में, पर मत सर के अरे पर मत सर के भोग जी भर के चरण सरप तज पश्चिम सूरज के धर्म न घटाऊं मैं, दुआ बाहों में दूर हट जा, दुआ बाहों में परे हट जा। सोई
न पैद न चलेगी हेरा फेरी। बेटा कह पुचकार मात बस यहे दया तेरी। बे मत मरता मन दुखी करता तने बचाऊं मैं। आवे काल ना होवे टाल तने समझाऊं मैं। तू आ बाहों में आ दूर हट जा। तू आ बाहों में आ परे हट जा। जैसी करनी करे मात फल वैसा ही सब पावे। तेरे बिना इस जीवन में मन चैन नहीं आवे। करम पाल तेरी कथा न सोनो टेक में गावे। राह दिखा दे मन बचा दे खड़ी मनाऊ मैं। जैसी कहना फंद में फहना वापिस आऊं मैं। परे हट जा। तू आ बाहों में आ दूर हट जा। शुक्र मनाऊं तन दिल ते जाऊं तेरे लाड लडाऊं मैं। राम राम लिए मेरी वक्त आखरी शीश झुकाऊं मैं। तू आ बाहों में आ परे हट जा। तू आ बाहों में आ दूर हट जा। अजीत सिंह ये तो पहले ही तय कर चुका था कि दुल्हन को अपने छोटे से मकान में अलग ही लेकर आऊंगा। अपने किसी भी संबंधी या रिश्तेदार के यहाँ लेकर के नहीं जाऊंगा। अतः एक छोटी सी झोपड़ी पहले से ही तैयार कर ली थी। अब तो दुल्हन राजबाला को अजीत सिंह शादी करके अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आया और फिर मन में विचार किया कि यदि सारी बातें आते ही राजबाला को बता दी तो ऐसा ना हो कि उसको दुख का इतना बड़ा झटका लगे कि वो संभल ना पाए। इसलिए अपने मर्म की, अपनी चोट की, अपने दुख की, अपने दर्द की बातों को तो बाद में बताऊंगा, पहले जरा इसके मन को प्रसन्न तो कर दूं। अतः राजबाला को घर में बैठा कर और थोड़ी सी प्रेम वार्ता से बातें करता है, उसका घूंघट उठवाता है तो अजीत सिंह क्या कहता है, वो राजबाला क्या जवाब देती है। ओ नामो दुबकावे पिया शर्म तेरे ते आवे। तू मत नामो दुबकावे पिया शर्म तेरे ते आवे। प्रेम की मीठी बाणी गोरी हंस के बोलिए। आवे से मन शर्म तू घूंघट मत ना खोलिए। आवे से मन शर्म तू घूंघट मत ना खोलिए। ओ जनते भला शर्म के क्यों नीची नाड करे से। मेरा दिल धड़के से पिया जब तू लाड करे से। गोरी नैन ते नैन मिला ले पिया परन हाथ हटा ले। रे गोरी नैन ते नैन मिला ले पिया परन हाथ हटा ले।
दूर दूर क्यों जासे मेरे धोरे हो लिए। तू मेरी गोरी आ दिल की रानी बन ले। सहज सहज सी बोल पिया जी कदे पड़ोसी सुने। पीवन दे रस का प्याला पिया दिन का अभी उजाला। पीवन दे रस का प्याला पिया दिन का अभी उजाला। इस घूंघट में गोरी एक बे मन बिलको लिए। प्रश्ना जागी अब गोरी तेरे प्यार की। मैं तन मन से अर्पित हूँ अपने बरतार की। प्यासा हूँ प्यादे पानी तेरे अर्पण मेरी जवानी। प्यासा हूँ प्यादे पानी तेरे अर्पण मेरी जवानी। तेरे रूप की खुशबो ने गोरी हम तो मोह लिए। तेरे चमन का तू से मैं वाकी डाली। तरसी सुनी हुई आकर ऐसे पिया जी बिनहाली। आ तेरे लाड लडाऊं कहीं खुशी में मर ना जाऊं। जिंदगी भर लाड लडाऊं कहीं खुशी में मैं मर जाऊं। रामपाल हो पार शरण सतगुर की टोलिए। नामों दुबकावे पिया शर्म तेरे से आवे। प्रेम की मीठी वाणी गोरी हंस के बोलिए। आवे से मन शर्म तो घूंघट धीरे धीरे खोलिए। आवे से मन शर्म तो घूंघट धीरे धीरे खोलिए। आवे से मन शर्म तो घूंघट धीरे धीरे खोलिए। आवे से मन शर्म तो घूंघट धीरे धीरे खोलिए। चंद्रा देखते ही अपने पति को पहचान लेती है। और देखते देखते कुछ बोल नहीं पाई और डब डब नैनों से आंसू झरने लगे। उधर बसंत भी कुछ नहीं कह पाया अपनी पत्नी को पहचान करके। वह भी रोने लगा। मालन बीच में खड़ी हुई है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को पहचान लेते हैं तो चंद्रा क्या कहती है और बसंत क्या पूछता है इस बात के द्वारा। तेरे बिना मैं चंद्रा गोरी फिरूं तवाई।
फिर तबाई प्रिये, इसमें उस सौदागर का दोष नहीं हमारे कर्मों का ही दोष है। वो हमने भरा है किस तरह से, इसमें नहीं कसूर किसी का, कर्म भोग भरे पर जा। मारे सिर पे उस बढ़िया का था पूर्व जन्म का कर जा। हाँ मिलना और बिछड़ना चंद्रा, मिलना और बिछड़ना चंद्रा, कर्मा की कड़ाई। इस तरह से बसंत पूछता है कि चंद्रा अब तू मुझे ये बता कि इस शहर में तू कैसे आई और तुमने अपना धर्म कैसे बचाया। इन सारी बातों का खुलासा बताती हुई चंद्रा क्या जवाब देती है, पला कैसे आई, कैसे आई इस नगरी में, भेद बता दे सारा। बेच गया राजा के हाथों सौदागर लज मारा, क्यों कर धर्म बचाया अब तक कह दे न्यारा न्यारा। दुख मिट जाके पिया हमारे करम लिखी सो पाई, तेरे बिना मैं चंद्रा गोरी भरता फिर था तबाई। अब तो कहता है बसंत कि चंद्रा तू ये बता कि हमारा तेरा मिलना कैसे होगा, क्योंकि अब तो हम चोरी छिपकर मिल रहे हैं लेकिन तू तो है तो रनवास की रानी ही। तो कहने लगी चंद्रा कि मैं क्या बताऊं और मैं क्या बता सकती हूं आपके सामने, आप ही कोई तरकीब बताओ। तो बसंत क्या बताता है, भला ब्या गए क्यों कर होगी मन अगली बात बता दे। तू ही बता मैं के कह दूं कुछ मन में राह दिखा दे। तुनू कहिए तो भाइया की, राजा ते कहिए मन तो भाइया की, मुझको कथा सुना दे। मैं वही करूंगी पिया बता दे नेम धर्म के का दे। बला बखत पड़े पे काम आया करे, बखर पड़े पे काम आया करे बुद्धि की चतुराई। तेरे फिकर में भूखी रहती नींद रात में ना आई। हाँ तेरे बिना मैं चंद्रा गोरी भरता फिर था तबाई। बसंत कह देता है कि जब तू राजा को ये कहेगी कि मैं तुम्हारी रानी तब बनूंगी जब तुम दो भाइयों की कथा मुझे किसी से सुनवाओगे।
तो वो जरूर ऐलान करवाएगा शहर में, और मैं फिर इस ताई के साथ में जाऊंगा जनाना भेष धारण करके। कैसे बला नाई लुगाई मंगते बनिए ना इनके बिरसे बचा करें। मन के मिली मानस मिल जाते सभी मुसीबत हटा करें। यूं ते मैं भी जानूं पिया दुख बांटे ते बटिया करें। हाँ प्रेम गुरु की कृपा ते हो, प्रेम गुरु की कृपा ते पर्वत भी बन जा राई। कर कर याद सजन तुमने थारी तड़फा करती ब्याही। कर कर याद सजन तुमने थारी तड़फा करती ब्याही। किसी समय का जिक्र है कि तख्त हजारा जागीर के जमींदार अमीर खान थे। उनकी बेगम का नाम गैला था, उनके दो पुत्र पैदा हुए, बड़े का नाम नीलाई और छोटे पुत्र का नाम रांझा था। रांझा बहुत ही खूबसूरत और बांका नौजवान था। उधर पाकिस्तान में एक जंगशाला नाम की रियासत थी, जिसके जागीरदार का नाम शिशक था, उनकी पत्नी का नाम सलेमा था। उनके यहाँ भी दो संतान पैदा हुई, बड़ा लड़का पटमल और छोटी लड़की का नाम हीर था। बताते हैं कि हीर बहुत ही सुंदर लड़की थी, उसके रूप की चर्चा दूर दूर तक थी। जब वह जवान हो गई तो उसके पिता चूचक ने उसकी शादी की बात सोच करके इधर उधर कई लड़कों को तलाश किया और घूमते फिरते तख्त हजारा में जाकर के उन्होंने रांझे को भी अपनी बेटी के लिए देखा। उन्हें रांझा पसंद भी आ गया। संयोग से कुछ दिन बाद एक बारात भी तख्त हजारे से जंगशाला में आई और उसमें रांझा भी आ गया। तो हीर का पिता चूचक अपनी पत्नी से कहता है कि अपनी बेटी को कह दे कि अपनी सखियों को ले जाकर के रांझे को देख ले, यदि इसकी पसंद आएगा तो मैं इसकी शादी रांझे के साथ में कर दूंगा। तो दोस्तों, माँ की आज्ञा प्राप्त करके हीर अपनी सहेलियों को लेकर वहीं बाग में पहुंच जाती है जहां बारात ठहरी हुई है। एक बच्चे से रांझे को बाग से बाहर बुलवा लिया और हीर क्या कहती है तो रांझा क्या जवाब देता। तेरी आंखों में देखी है प्यार की चाहत हमने, तेरी आंखों में देखी है प्यार की चाहत हमने, जुबान से इकरार कर लो तो यकीन आ जाए। अच्छा हाँ, तुम्हारे सामने रख दूं दिल नाशाद के टुकड़े। अच्छा, तुम्हारे सामने रख दूं दिल नाशाद के टुकड़े, इन्हीं टुकड़ों में ही शायद होंगे मेरे प्यार के टुकड़े। तो सुना दे तुझे क्या कहना है और मैं किस लिए बुलवाया हूँ। तो सुन ले। हाँ। सुन ले। सुना दे। बदनाम गाम और काम के से रंग ठाट का। तने तो एक ही सेंटेंस में और कई बात बूझ ली। बता दे। सारियों का जवाब दूं? हाँ, एक नाम भी गाम भी और काम भी सारी बातों का जवाब एक वाक्य में चाहती है। मका तोड़ी कर दे। तो अब की बार बूझ ले, अब क्या कर दूंगा तोड़।
बतनाम काम और काम के रंग ठाट का। मेरा गांव में हजारा नाम है रांझा।